गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट एक्सरसाइज हमने 15.2 करी थी, उसके लास्ट टू क्वेश्चन से मैं वापस से करवा रहा हूँ, एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन को भी इस तरीके से कीजिएगा, जैसे मान लीजिए पहले बॉक्स बना दीजिएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई। इसे एक्स मान लेता हूँ कि 18 महीने और 12 डेज है, तो 18 में 12 डेज है, और सेकंड मुझे बोला गया हाउ शुड बी एम्प्लॉयड पर्सन वर्क इन 9 डेज, मतलब कितने लोग मिलकर इसे 9 दिन में पूरा करेंगे। तो हमको यहाँ पे पीपल के बारे में पता करना है। अब कैसे करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 18 इंटू 12 इक्वल टू पी इंटू 9, क्योंकि वहां पर वर्क सेम है, तो यहाँ पर 18 लोग 12 दिन में कितना काम करेंगे, तो 12 इंटू 18 इक्वल टू पी इंटू 9। यहाँ पे हमको पीपल निकालना है, तो 18 इंटू 12 9 आ जाएगा, इसके अपॉन में कैंसिल करेंगे, 24। तो यहाँ पे टोटल 24 लोग रहेंगे जो कि 9 दिन में सेम वर्क को कंप्लीट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि कितने ज्यादा और लोग मिलाने पड़ेंगे। अब पहले जो लोग थे वो कितने थे, अभी कितना हुआ 14 और पहले कितने थे 18, मतलब कितने लोग और ज्यादा लगेंगे हमको यहाँ पे, तो 8, 6, 14, तो 6 पीपल हमको और लगेंगे इसके लिए, उसी सेम वर्क को करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है, 6 स्टेप विद द सेम फ्लो टाइम इन 18 मिनट्स क्लोज हाउ मच रेंट्स, हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग टेप टेक्स अ फिल, टू टेप्स आर क्लोज। मतलब वापस से वही चीज बोला मैंने, एक्स वाई, यहाँ पर 6 टेप मिलकर 18 मिनट में कर रहे हैं, जिसमें से 2 टेप को क्लोज कर दिया है, तो पहले 6 थी, अब कितनी हो गई 4, तो हमें यहाँ पे फिल द टेप जो भी है ये निकालना है, कुछ भी ले लीजिए, पी ले लीजिए, वाई ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 6 इंटू 18 इक्वल टू, जिसमें पी ही मान लेता हूँ, इंटू 4, ये 4 अपॉन में चला जाएगा, तो पी कितना हो जाएगा, 2 × 4, 2 × 6, 2 × 9, 18, तो 9 × 3 पी हो जाएगा 27, तो इसको 27 मिनट लगेंगे फिल बनने के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग 15.3 पर, एक्स वाई ही लेके चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 15.3। फर्स्ट है 4 मेन वर्किंग 6 आवर्स डे कैन रीप अ फील्ड इन 20 डेज। यहां पर तीन चीज बताएंगे आप, एक्स वाई और जेड। 6 घंटे 4 लोग 6 घंटे काम करते हैं 12 दिन तक, तो पूछा है हाउ मेनी डेज, मतलब डेज वाला हो जाएगा सबसे लास्ट, फिर 12 लोग 8 घंटे और ये कितना काम करेंगे, मतलब ये हमें जेड वाली वैल्यू निकालनी है, डेज हमको निकालना है। तो यहां पे करेंगे 4 इंटू 6 इंटू 12 इक्वल टू 12 इंटू 8 इंटू डेज, इसको उठा के ले आएंगे नीचे, अपॉन में चला जाएगा 12 इंटू 8, यहां हो जाएगा आपका 12 से 12 कैंसिल, 4 × 2 = 8, 2 × 3 = 6, तो कितने डेज हो जाएंगे यहां पर, 12 लोग 8 घंटे इसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इन अ फैक्ट्री 7 मैन बीस बाइसिकल 5 दिन में बनाते हैं, तो हाउ मेनी बाइसिकल
मेड बाय फोर मैन इन 14 डेज। वही हमें यहाँ पे बाइसिकल निकालनी है, तो 7 × 20 × 5 इक्वल टू 4 × bicycle × 14। तो ये हो जाएगा आपका 7 × 20 × 5 / 4 × 14 = b। कैंसिल करेंगे, 7 × 14 = 20 × 2 = 20 × 4 = 10। तो 25/2 बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25/2। कैंसिल करेंगे तो 2.5 मतलब 12 दिन 12 साढ़े 12 दिन में वो क्या करेंगे आपके कंप्लीट कर देंगे किसी भी काम को। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम लोग। छह ट्रक 180 टन गुड को 3 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो हाउ मच वेट ऑफ गुड कैन 5 ट्रक इन 4 डेज। यहां हमको इसकी ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो 6 × 180 × 3 इसको मान लेते हैं हम a, 5 × 4 × a, तो 6 × 180 × 3 / 5 × 4। कैंसिल करेंगे किससे, 5 × 3 = 15 16 × 17 = 18 × 5 = 30 4 × 36 तो ये हो जाएगा आपका 162, मतलब 162 टन 5 ट्रक मिलके 4 दिन में करेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर A4, A4 में बोला गया है 240 केजी फूड सफिशिएंट इन 36 आवर्स फॉर 21 डे फॉर हाउ मेनी डेज 280 केजी फूड सस्टेन इन 21 आवर। हमें निकालना है वही A की वैल्यू, यहां पे 240 × 36 × 21 और अच्छा सॉरी यहाँ पे हाँ ठीक है, ये ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं चलेगा। फिर वही आपका 280 × 21 × 8 इसको लेके नीचे आएंगे, तो 240 × 36 × 21 / 280 × 21 = a। 21 से 21 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 4 × 28 = 24 × 24 = 28। फिर कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना और 7 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पर निकाल लेंगे, एक दो मिनट रुकिए, इसको दो मिनट रुकिए, इसमें एक चीज हो सकती है। यहां पे बोला गया था कि 240 केजी फूड, इसको डायरेक्ट करते हैं अपन, 240 केजी फूड थर्टी सिक्स आवर और 21 डेज में हो रहा है, तो यहां पर
280 केजी फूड 21 आवर्स में कितने दिन में कंप्लीट होगी? ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये करेंगे हम, इसको उठा के इधर लाते हैं, इन पूरे को उठा के उधर ले जाते हैं। तो 280 इंटू 36 इंटू 21 अपॉन 240 इंटू 21, 21 से 21 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 24, 4 से तो 28, 6 से 36, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 42। ये तरीका है इसको करने का, ठीक है।